हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार ने आम जनता को करारा झटका दिया है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल पर्यटन विकास निगम की शिमला में बनी लिफ्ट का किराया दोगुना हो गया है। लिफ्ट में आवाजाही के लिए अब लोगों को 20 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा लगेज के लिए भी अतिरिक्त 20 रुपए किराया तय किया गया है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 30% छूट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब सभी को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 20 रुपए चुकाने होंगे। इस 10-12 साल से रेट नहीं बढ़ा था और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था और साथ में सीनियर सिटीजन का साथ रहा था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, यही रहेगा सबके लिए फॉर ऑल 20 रुपीज। वहीं लिफ्ट का किराया बढ़ने के बाद विपक्ष भी इसको लेकर सरकार को घेरने में लग गया है। उन्होंने रेट में हुई बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही इस फैसले को जन विरोधी निर्णय बताया। आपने देखा होगा कि अभी लिफ्ट में 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर, उससे हिमाचल की जनता के साथ साथ हिमाचल में आने वाला पर्यटक भी प्रभावित। ये निर्णय तो जन विरोधी के साथ साथ प्रदेश विरोधी भी है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। गौर हो कि वीरवार तक लिफ्ट में आवाजाही का किराया 10 रुपए प्रति व्यक्ति था, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 7 रुपए चुकाने होते थे। पर्यटन सीजन के दौरान अचानक इस किराए में बढ़ोतरी की वजह से आम जनता को करारा झटका लगा है। हालांकि पर्यटकों पर इसका ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को भी खत्म किए जाने से लोग नाराज नजर आ रहे हैं। लिफ्ट में रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को अब हर महीने 300 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।